नमस्कार, मैं डॉक्टर देवांग पटेल हूँ। मैं सिम्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी और फीटल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको प्री एक्लेम्शिया माने कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। प्री एक्लेम्शिया में तीन चीज़ें मेन होती है। एक तो पाँचवें महीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना, पैरों में सूजन होना और यूरिन में प्रोटीन का लॉस होना। ये प्री एक्लेम्शिया अगर ट्रीट नहीं हो तो माता और बच्चे दोनों के लिए जोखिमी हो सकता है। अभी ये प्री एक्लेम्शिया की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? जब आप अपनी जांच के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके ब्लड प्रेशर से और यूरिन की जांच से ये पता चलेगा कि आपको प्री एक्लेम्शिया है। एक बार प्री एक्लेम्शिया का डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद आपको नियमित रूप से ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग, ब्लड और यूरिन की जांच करानी पड़ती है। प्री एक्लेम्शिया का अल्टीमेट क्योर तो बच्चे की डिलीवरी ही है, पर हर केस में हम डिलीवरी नहीं कर सकते। ऐसे केस में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। फिर बात आती है डिलीवरी की, तो डिलीवरी कैसी जगह पे होनी चाहिए? डिलीवरी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे ICU, HDU माने के हाई डिपेंडेंसी यूनिट, NICU मतलब अगर बच्चा अधूरे महीने पे डिलीवरी हो तो उसको कांच की पेटी में रखने की सुविधा हो, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाए, ऐसी जगह पे होनी चाहिए। हमारे पास सिम्स हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हाई रिस्क प्रेगनेंसी यूनिट है। स्टेट ऑफ आर्ट ICU, NICU तथा फीटल मॉनिटरिंग सिस्टम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। थैंक यू।